भाभी। अरे दीदी आप अचानक, बताती हूँ कम से कम कि मैं आ रही हूँ, आप तो ऐसे अचानक आ गई। आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा? अरे वो ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर बाय चांस मैं घर के बाहर होती तो आपका तो आना फिजूल हो जाता ना। अच्छा भाभी, गर्मी कितनी हो रही है, मेरा तो गला सूख गया आज गर्मी की वजह से। रुको, अच्छा मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी दीदी, और ज्यादा गला सूख गया हो तो ये ग्लूकोज मिला के पी लो। नहीं नहीं पानी ही सिर्फ पियेंगे पानी। भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो गया। खाली? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, आपको ही लग रहा होगा। मेरा मतलब है एक दिन तो सबको ही जाना है इस दुनिया से, अब किसी के जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुकेगा। चाय पीने का मन तो नहीं है? बना लो। सारी नेल पेंट तो खराब हो गई मेरी। वो मेरा कहने का मतलब था कि मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम आ रही हो, वरना मैं नेल पेंट थोड़ी ना लगाती। चाय पानी खाना सब बनाना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए, तो चलो। कोई नहीं, वैसे आज चली जाओगी या रुकने का प्रोग्राम है यहाँ तुम्हारा? भाभी वो है कि मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन रुक के जाऊंगी। क्या है कि मम्मी की 2-3 दिन से बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी, मम्मी तो यहाँ अब है नहीं, तो आप मम्मी को यहाँ बैठ के याद करो या अपनी ससुराल में याद करो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और रही बात अब इस घर की, तो ये घर अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ दीदी। मम्मी आपके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा है, इस घर का माहौल ही बदल गया है। जब आप थी तब इस घर का माहौल ही कुछ और था। मैं जब भी ससुराल से आती थी, भाभी कितना खुश होकर मेरा स्वागत करती थी, पर अब देखो उनका व्यवहार मेरे लिए कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं कि मायका माँ से होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है मम्मी, ऐसा क्यों होता है मम्मी, ऐसा क्यों होता है? दीदी ये तो उस बेटी के किए कर्म ही होते हैं जिनका माँ के जाने के बाद उनका मायका सूना हो जाता है। शायद भूल गई हैं आप, मैं याद दिलाती हूँ आपको। जब से आई है मेरे घर पे तब से मेरे घर पे लड़ाई मची हुई है। अब सगुन पैर की है, मेरे भाई को भी इतना दूर कर दिया हम लोगों से, नीच घर की, नीच परिवार से आई है ना। तेरा बाप तो कालिया है, क्या दहेज दे दिया है, जो चाहती होगी हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। पांच किलो खाना खाती है और पेट दर्द का बहाना लिए बैठी रहती है। हम लोगों के तो कभी दर्द नहीं हुआ ना, बस इसी के दर्द होता है पेट में।
मेरी माँ को परेशान करना और कुछ नहीं। मेरी माँ डेली खाना बनाती है, इसको खाना बनाना भी नहीं आता है, जली जली रोटी बनाती है, क्या करना आता है? तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए? दीदी वो सब शायद आप भूल गई होंगी, लेकिन मैं नहीं भूली। जितना दुख और दर्द आपकी माँ ने और आपने मुझे दिया था ना, वो एक एक बात मेरे दिल में चुभी हुई है। मैं जिस दर्द से गुजरी थी ना, शायद है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। एक वो प्रिया दीदी है कि मेरे पति से कहती है कि तेरी औरत ही गंदी है, है? मुझे तो दीदी कहने में शर्म आती है ऐसी लोगों को, कि मुझे पता है कि वो अपने ससुराल में कितना क्या क्या नहीं गुल खिला रही है। वो तो आपकी बहन है, आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा आपकी बहन क्या करती है ससुराल में। तो इससे अच्छा हमसे नहीं कहलवाओ, आप अपनी बहन के बारे में बहुत अच्छे से जानती होगी। बात बताऊं दीदी, एक बेटी के लिए मायका उसका कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही होती है जो मायके को जिंदा रखती है। आप दोनों ने मुझे इतना दर्द दिया है ना, कि मेरे दिल में इतनी नफरत भरी हुई है तुम दोनों के प्रति, कि मुझे नहीं लगता कि कभी ये नफरत निकल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि माँ बाप के ना रहने के बाद बेटी का मायका मायका नहीं होता, बट ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर ननंद भौजाई में प्रेम और संबंध अच्छे हैं तो पूरे जीवन भर मायका वही रहता है जैसा कि माँ बाप के सामने होता है। तो आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना।